देखिए स्टोरी लाइन का ये है कि ये एक्चुअली बड़ी अनकन्वेंशनल स्टोरी लाइन है, क्योंकि 3 साल में बहुत चीज़ें बदली हुई हैं। आई स्टार्ट स्क्रिप्टिंग द स्क्रिप्ट, वी रियलाइज के जो फिल्में आजकल चल रही हैं आर द काइंड ऑफ यू नो सिनेमा विच इज स्लाइटली डिफरेंट। अगर आप देखें रंग दे बसंती, बीन साइरस, इकबाल, Page 3, सो नॉट रेगुलर सिनेमा। सो वी ट्राई टू डू अ स्क्रिप्ट विच इज स्लाइटली डिफरेंट। आज क्या हो जाता है कि ऑडियंस क्रिटिक हो गई है, ऑडियंस चाहती है कि वो थिएटर में जाए, दैट दे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फर्म कि मज़ा आएगा। पहले 5 मिनट में आपको कहेंगे कि भाई इस फिल्म की एंड क्या होने वाली, देन दिस यू नो सी द रेस्ट ऑफ द फिल्म टेलिंग यू देखा देखा। एक हल्की प्रिडिक्टेबिलिटी ढूंढते हैं और एक हल्की सी प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं। वी डिसाइड कि लेट्स स्टार्ट प्लेइंग विद द ऑडियंस। तो ये एक नॉन लीनियर फॉर्मेट है ऑफ अ स्क्रिप्ट विच इज अ जिग्सॉ पजल। दिस कैरेक्टर एंथनी और दिस थिंग एंथनी इज द क्रक्स ऑफ दिस फिल्म। एक हिटमैन एक कॉनमैन है, हिटमैन ने बंदूक तानी हुई है कॉनमैन के सर पर, उसने कहा भैया एंथनी कौन है। एंड टू गेट टू नो एंथनी, टू अंडरस्टैंड एंथनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर हिस्ट्री ऑफ व्हाट हैपन। तो 15 साल पहले कुछ हुआ था, यू नो देयर वाज अ मर्डर, देयर इज अ जेल ब्रेक, देयर इज अ ज्वेलरी हाइस्ट, देयर इज अ रोमांस, देयर इज अ ब्रोकन मैरिज, देयर इज अ कॉनमैन, देयर इज फॉर्जरी। ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स, ये सब रंग, ये सब रस मिलके आपको इवेंचुअली बताते हैं कि एंथनी कौन है, एंड दैट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म। जी हाँ, फेज कुछ चलानी है। देखिए क्या है, देर इज़ अ मार्केट फॉर टिपिकल सिनेमा एंड देर इज़ अ मार्केट फॉर सिनेमा विच इज स्लाइटली डिफरेंट। इट्स ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। न्यू डायरेक्टर्स जो आ रहे हैं आजकल, दे आर नॉट फ्रॉम फिल्मी खानदान, सो इट्स नॉट दैट दे बीन ब्रॉन एंड बॉट अप ऑन अ सर्टन फॉर्मेट, दे कमिंग विद न्यू आइडियोलॉजीज। और एक और चीज़ जो हुई है, 140 चैनल है आज टेलीविजन पे, इतनी वैरायटी आप कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग सो फास्ट। आज आपने X-Men 3, सुपरमैन और क्रिश साथ में देखी है, सो द ऑडियंस इज टुडे अवेयर अबाउट ऑल दैट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। दे लुकिंग फॉर इंडियन सोल, दे लुकिंग फॉर इंडियन कॉन्टेंट, बट दे डोंट वॉन्ट द सेम ओल्ड स्टाइल, दे वॉन्ट अ न्यू फॉर्मेट टू से थिंग्स, दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर। वो कहते हैं कि हमें कुछ नयापन दो ना, वही कहानी दो पर नए तरीके से दो, नए अंदाज से दो, सो इट लीज आई फील गुड अबाउट इट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स हैपन टू द ऑडियंस। मैं तो चाहता था, पर क्या है कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, इफ़ आई डोंट हैव समथिंग वर्थ वाइल फॉर हर, वाई वेस्ट हर। देखिए हर एक कहानी, हर एक स्क्रिप्ट एक्चुअली कास्ट डिसाइड करती है, एंड आई डिडंट हैव अ रोल फॉर हर। तो क्या है कि मेरी माय बैड लक। मेरी फिल्म कॉमिक नहीं है, मेरी फिल्म हल्की फुल्की थ्रिलर है। वही प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि सबके सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं कॉमेडी बना रहा हूँ, बट आई एम नॉट मेकिंग द काइंड ऑफ कॉमेडी दैट्स हैपनिंग अराउंड। क्योंकि द कॉमेडी इन माय फिल्म इज एक्चुअली इन द स्क्रीन प्ले, नॉट इन द डायलॉग्स। क्योंकि इतने प्लॉट में ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं दैट यू कॉन्स्टेंटली कीप एंजॉइंग दैट एंड गेट्स अ स्माइल ऑन योर फेस। नेवर इन माय फिल्म विल यू एक्चुअली स्टार्ट लाफिंग लाइक मैड। ये हल्की फुल्की थ्रिलर है, ये कॉमेडी नहीं है। पर कहाँ हंसी आ रही है, पूछा इतने गंभीर लग रहे हैं दोनों, दोनों के बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, कितने कंफ्यूज हैं। वो रस है, वो ह्यूमर का रस है। इट इज़ नॉट लाइक मुन्ना भाई, इट इज़ नॉट फनी, इट्स नॉट इन दैट जोन, इट्स नॉट इन द जोन ऑफ गोलमाल, इट्स नॉट इन द जोन ऑफ फिर हेरा फेरी। बस पैसे हल्की फुल्की है। एंथनी कौन है, एक इंट्रीग है, अर्शद और संजय हैं, अलग लग रहे हैं, प्रोमोज अलग हैं, गाने अलग हैं, कुछ बात है इसमें। एंड एज लॉन्ग एज मैंने वो ऑडियंस के माइंड में वो रिएक्शन अगर मैंने कंजर अप करिया है, देन आई थिंक दे शुड कम एंड सी इट। नहीं, आई नो दैट इज़ एक्चुअली अ क्लीशे, नहीं वो बात नहीं है। फ्रेंकली आज जो दौर चल रहा है, अगर आप अलग ना करें, क्योंकि यू नो देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ सिनेमा दैट्स कमिंग विच इज़ प्योरली रोमांटिक, द बिग गाइज आर डूइंग इट, द सर्टेन काइंड ऑफ यू नो जॉनर विच इज़ कम्प्लीटली एक्शन, बिग गाइज आर डूइंग इट, बड़े बड़े महारथी अपने अपने स्टाइल अपने नीच में घुसे हुए हैं। फॉर अस टू गो एंड कम्पीट इन दैट, देन व्हाई शुड द ऑडियंस वॉच आर सिनेमा, बिकॉज दोज गाइज आर डूइंग इट बेटर। फॉर अस टू कम एंड मेक अ न्यू फिल्म, वी नीड टू मेक इट अ न्यू वे,
डिफरेंट इज अ वेरी बैड वर्ड बट डिफरेंट एक्चुअली इज द क्रक्स ऑफ मेकिंग अ फिल्म टुडे. अगर आज यू डोंट मेक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज बींग सीन अराउंड यू वोंट सर्वाइव. तो वही आपको माइंडसेट डे वन से फ्रॉम द स्क्रिप्ट लेवल करना है. अगर आप ऑफ कैमरा ले रहे तो आई टेल यू आई एम मैरिड टू एन एक्ट्रेस आई एम बीन ट्रेन्ड रियली वेल. नहीं जोक्स अपार्ट ये बहुत माइंडसेट मुझे थाईलैंड से मिले क्योंकि थाईलैंड इज इसेंशियली बुद्धिस्ट और थाई लोगों की ये खासियत है कि अगर आप उन पर चिल्लाएं उसके बाद आप 1,00,000 रुपए दे दीजिए वो काम नहीं करेंगे आपके साथ में और आप प्यार से बोले वो कुछ भी करेंगे क्योंकि उनका ये सोचना है कि आदमी का कर्म उसकी मूड उसकी रिफ्लेक्शन उसके पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट करती है. अगर आप चिल्ला सकते हैं तो आपके अंदर एक बुरा इंसान है वो आप सब एसोसिएट नहीं करेंगे और यही माइंडसेट मैंने सोचा था. और सेकंडली क्या है देखिए फिल्म जब बनती है ना फिल्म एक एनर्जी से बनती है फिल्म एक बिलीफ से बनती है. कोई फॉर्मूला नहीं है. आज एक आदमी ने एक स्क्रिप्ट तैयार की उसे एक पैशन मिला उसने एक एक्टर को कहा एक्टर ने बोला मैं काम करूँगा टेक्नीशियन से कहा टेक्नीशियन बोलते वो काम करेंगे प्रोड्यूसर बोलते ठीक है पैसे लगाऊंगा. हम सब एक आइडिया के पीछे गए हैं. हम सबको ये आइडिया अच्छी लगी है पर किसी को पता नहीं कि आइडिया काम करेगी कि नहीं करेगी. तो इसमें हर दफ़े इनसिक्योरिटी होगी. हाफ वे थ्रू द फिल्म एक्टर बोलेगा कि ये फिल्म मैंने यार वो अगर रोल हमने ऐसा किया होता अगर मेरे कैरेक्टर में ये शेड होता अगर DOP बोलेगा अगर मैंने वैसे वैसे शूट किया होता राइटर बोलेगा ये डायलॉग लिखा होता प्रोड्यूसर बोलेगा क्या कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा इनसिक्योरिटी आ जाएगी. उससे एक पूरी बोलते ना रेत का आप ढेर बना लो यूँ करके गिर जाएगा. और एक ही पर्सन है जो खड़े होकर कहता नहीं नहीं सब ठीक है यार बढ़िया है कोई प्रॉब्लम नहीं है वो है डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा घबराया हुआ है क्योंकि उसे नहीं चाहता कि दुनिया को लगे उसने कौन किया उन्हें. सो देयर हैज़ टू बी जेन्युइन पैशन देयर हैज़ टू बी जेन्युइन बिलीफ एंड द ओनली वे यू कैन डू दैट अगर आप यहाँ क्लियर हैं और आप आउटकम सोच के काम नहीं कर रहे आप ये फिल्म बना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है ये फिल्म बननी चाहिए बस. और अगर आप वो फिल्म बन रही है जैसे आपको बननी चाहिए छोटे छोटे तो प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे हर चीज़ में आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते हैं. फोकस क्लियर होना चाहिए ये फिल्म बनानी है ऐसी ही बनानी है बस बाकी सब इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. प्लेजर सर.